450 के आसपास गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था। इसके मुख्य दो कारण थे, पुष्यमित्र योद्धाओं से अंदरूनी विवाद और वकाटक साम्राज्य से समुद्र व्यापार को लेकर अनबन। पुष्यमित्र योद्धा कौन थे इसका ज्यादा वर्णन कहीं नहीं किया गया है, मगर ये राज्य नर्मदा नदी और विदिशा क्षेत्र के पास स्थित था। कई इतिहासकारों के हिसाब से पुष्यमित्र राजवंश का शुंग राजवंश, मित्र राजवंश और गुप्त राजवंश से पारिवारिक रिश्ता था और गुप्त साम्राज्य के नए सम्राट के लिए पुष्यमित्रों का भी कोई उम्मीदवार था। और 455 सी में सकंदगुप्त के सम्राट बनने के बाद पुष्यमित्र ने सकंदगुप्त के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। वकाटक साम्राज्य भी इस युद्ध में पुष्यमित्रों का बाहर से साथ देने लगा। सकंदगुप्त और पुष्यमित्रों के बीच कई लड़ाइयां लड़ी गई, भीषण युद्ध हुआ और एक पल तो ऐसा लग रहा था कि पुष्यमित्रों की जीत होगी, मगर आखिरकार सकंदगुप्त ने पुष्यमित्रों और वकाटक राजवंश के संघ को हरा दिया। मगर यहाँ सकंदगुप्त अभी संभले ही थे कि तभी पश्चिम से केदारहंस घुड़सवार कुष्णों को हराते हुए गुप्त साम्राज्य की सीमा तक पहुंच गए। गुप्त साम्राज्य पुष्यमित्रों से 5 साल लंबी लड़ाई के कारण कमजोर अवस्था में था। उनकी सेना की संख्या बहुत कम थी और वे थकी हुई थी, और इसका फायदा उठाते हुए केदारहंसों ने गुप्त साम्राज्य के अंदर घुस हाहाकार मचा दिया। हैरानी की बात यह है कि इसी समय दक्षिण में भी रोम और पूरे यूरोप में उन घुड़सवारों का प्रकोप फैला हुआ था। इनसे जूझना और जीतना बहुत मुश्किल था। ये उन घुड़सवार घोड़े पर बैठे सटीक निशाने लगाने पे माहिर थे और इनकी घुड़सवारी क्षमता का कोई तोड़ नहीं था। कहते हैं कि सकंदगुप्त ने हूनों के कहर को रोकने के लिए 455 लड़ाइयां लड़ी और जीती, जिसके उपरांत वो हूनों को कुछ हद तक रोकने में कामयाब रहे। मगर इतनी लड़ाइयों के उपरांत भी सकंदगुप्त अपने साम्राज्य के पश्चिमी हिस्से को बचा नहीं पाए और यहाँ हूनों का कब्जा कायम रहा। कई इतिहासकारों के हिसाब से केदारहंसों के कई शतक बाद आई गुज्जर प्रतिहार राजवंश की नींव इन हूनों ने ही रखी थी। मध्य भारत, पूर्वी भारत और आधुनिक उत्तर प्रदेश में सकंदगुप्त ने अपना साम्राज्य बरकरार रखा। मगर इतनी लड़ाइयों के बाद और हूनों द्वारा पश्चिमी समुद्र कारोबार छूटने की वजह से गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी और लड़ते लड़ते 467 सी में सकंदगुप्त बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। सकंदगुप्त की मृत्यु के 40 साल के बाद लाल हूनों और केदारहंसों के संघ ने सम्राट तोरामन और महीरकुला के अंदर गुप्त साम्राज्य की नींव को हमेशा के लिए मिटा कर रख दिया।